आज मैं अपने लिए सिस्टम लेने के लिए जा रहा हूँ। गेमिंग शेमिंग तो नहीं लूँगा, एक सादा सा सिस्टम लूँगा। यार सीन ऐसा है, कंप्यूटर मार्केट तो पहुँच गए, अभी सिर्फ तलाश करना सो था आसिफ को, वो इधर ही कहीं पर फेर रहे। सीन ऐसा है कि सदर में हमें कोई रेट नहीं मिला सिस्टम का अच्छा, तो सिक्स रोड में अच्छा रेट मिला था, तो अभी सिक्स रोड ही जा रहे हम लोग। नहीं वो आसिफ को दूंगा क्या आसिफ भाई, मेरे सिस्टम में बहुत डजे खाई हो तुझे पता है खर्चे क्यों। रात का सीन क्या हुआ था कि रात को आए हुए थे, थका हुआ आया था यकीन, मैंने कहा था भी सिस्टम में से डाटा वगैरह निकालूगा सारा कुछ करूँगा, इधर से लाइट से ही आ रही है, सिस्टम से डाटा वगैरह निकालूगा सारा कुछ करूँगा, लेकिन वो मैं चाय पी के सो गया। ठीक है, अभी आपको फजर की अजानें आ रही होगी, लेकिन पहली अजान हो चुकी थी जिसमें मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली, तो अभी अजानें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देख सकते हो ये मेरा कोरे सेवन फर्स्ट जनरेशन था, जिसके अंदर मेरी हार्ड डिस्क वगैरह लगी है, ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है, तो ये चीज़ें हमने निकालनी है। अंदर लाइट यार इसको लटा दे तो इधर, दो मिनट से रखो तब तक नज़र आए सही। ये देखो आप सही नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये मेरी दो हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, ठीक है, और ये ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है जो हमने सारा निकाल के Z240 में डालना है, HP Z240। ये इसका बोर्ड है HP Z240 का, दो RAM लगी हुई है 8GB की, ठीक है, और अभी हमने ग्राफिक कार्ड लगाना है। इधर M2 की भी स्लॉट है, M2 भी यहाँ पे हम लगा सकते हो, और ये इसकी देख सकते हो ये मुख्तलिफ हार्ड, ये आप देख सकते हो ये हार्ड डिस्क के कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क वगैरह लग जाएगी हमारी, ठीक है, और मिनी जो माइक्रो DVD रोम है वो लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी पावर सप्लाई 400 वाट है इसकी, और फ़ैन और प्रोसेसर जो है वो इसका Core i5 6th generation 6500 है, ठीक है, 6500 इसका प्रोसेसर नंबर है और 6th generation है, और ये बोर्ड है इसका। अगर दिखाओ तो ये Core i7 1st generation है, ठीक है, ये इसका बोर्ड है, सारा कुछ ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये मेरी हार्ड डिस्क लगी है, CD रोम DVD रोम राइटर लगा हुआ है, पावर सप्लाई लगी है इसकी भी 350 वाट पावर सप्लाई है। बाकी इसमें 3 RAM लगाई हुई थी, एक 4GB की थी, दो GB की थी, ये 8GB इसमें भी यूज़ कर रहा था मैं, ठीक है। बाकी ये कि ये 4K सपोर्टेड नहीं था, ये वाला जो है 4K सपोर्टेड है सब कुछ, ठीक है, जो ऊपर वाली वो SSD और जो नीचे वाली वो हार्ड डिस्क है लैपटॉप की, ये 250 GB और ये 1 TB हार्ड डिस्क है, ठीक है, जो कि मेरे लिए इनफ है, इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अब ये जो कनेक्टर हैं इसके पावर वाले, ठीक है, अब ये दो कनेक्टर बिल्कुल करीब, वो दोनों हार्ड डिस्क तो मैंने बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लगाई हुई थी क्योंकि उसके अलग अलग कनेक्टर हैं, लेकिन ये वो इकट्ठी यहाँ पे ये इकट्ठी नहीं लग सकती क्योंकि अगर ये कनेक्टर यू फोल्ड किए या यू बेंड किए तो ये क्रैक होने का ख़तरा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक हार्ड डिस्क इस बड़ी वाली हार्ड डिस्क में लगा लेंगे जिसका हमारे पास केस समेत है, ये केस समेत जो है ना ये इसमें फिट हो जाएगी, और छोटी SSD जो है हम यहाँ पर लगा लेंगे या छोटी हार्ड डिस्क हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये भाई हार्ड डिस्क अपने लदा कर लिए, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है किस चीज़ की, ये WD की हार्ड डिस्क है 1 TB की, ठीक है, ये वाली SSD है, ठीक है, तो ये वाली SSD तो डायरेक्ट यहाँ इस वाले बड़े केस में लग जाएगी और ये वाली हार्ड डिस्क इधर लग जाएगी।
अच्छा एक बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप सिस्टम लेने के लिए जाएं किसी भी दुकान से यूज़ में या कोई भी न्यू तो नहीं लेकिन यूज़ में जब भी सिस्टम लेने जाए तो एक बात ध्यान रखना कि बोर्ड पे आपने अच्छी तरीके से नज़र मारनी है, ये जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वाले कैपेसिटर हो गए ठीक है, ये कैपेसिटर हो गए, ये आईसीयां हो गई जितनी भी है, इन सारों पे नज़र मारनी, ये कैपेसिटर हो गया ठीक है, इन सारों पे नज़र मारनी कि कोई फूली भी ना हो, कोई कहीं से क्रैक ना हो, कोई फूली भी ना हो, क्योंकि बाद वह आईसी फूल जाती है और फिर वो कुछ टाइम ही चलती है उसके बाद वो ख़राब हो जाती है ठीक है। और जितने भी ये कनेक्टर हो गए, 6 पिन कनेक्टर हो गया, साटा वगैरह के कनेक्टर, ये आप लोगों ने देख लेना है कि पावर सप्लाई के बिल्कुल ओके हों ठीक है, कोई भी हिलने वाला ना हो, पिनेशन जितनी भी इसकी पिन्स हैं सब कुछ वो बिल्कुल सीधी हों ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक थ्रू आउट नज़र मार लेनी पूरे बोर्ड के ऊपर जब भी आप लेने के लिए जाए, और ये वाले कनेक्टर जो होते हैं ये टूटे हुए ना हो बिल्कुल भी ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ध्यान में लाजमी रखनी है कभी भी यूज़ पीसी लेने के लिए जाएँ। तो खैर हमारा ग्राफिक कार्ड लग गया है और हार्ड डिस्क भी लग गई है, बाकी सब रेडी, हमारा रैम शैम लगी हुई है, पावर सप्लाई वगैरह ओके, सब कुछ ओके, बस अब इसको ऑन करते हैं और इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं इस मदरबोर्ड के साथ दोबारा इस हार्ड डिस्क में जो है, इस पे सारा लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर क्या करता है, कौन सा नंबर क्या करता है, M2 स्लॉट है, कौन सी क्या नाम है, USB 3.0 या 2.0, ये सब कुछ जो इतना इन्होंने डायग्राम बना के नंबर के साथ मेंशन किया हुआ है सारा कुछ ठीक है। ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी ये PC असेंबल करने के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन सी USB आपकी उसमें लग सकती है कौन सी नहीं ठीक है। बाकी डेल को क्लोज़ करते और उस पर फिर विंडो करते। अच्छा इसका मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, इसमें फ्रंट में 4 USB पोर्ट है जिसमें से 2 जो हैं वो 3.0 हैं और 2 2.0 हैं, एक हेडफोन जैक है और एक हेडफोन एंड माइक प्लस जो आपकी मोबाइल वाली हैंड फ्री होती है वो भी इस पर लग सकती है ठीक है। बाकी Z240 का लोगो आ जाता है, इंटेल का आ जाता है, HP का लोगो आ जाता है ठीक है। और ये इसका पावर बटन आ गया और ये इसमें माइक्रो जो है वो मिनी जो है वो DVD रोम लगा हुआ है जो कि लैपटॉप वगैरह में भी आता है ठीक है। और इसकी बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, बैक साइड में पावर आ गई ठीक है। बाकी अब तो ये खैर से कोई यूज़ भी नहीं करता ठीक है। तो लाइन कार्ड आ गया आपका, 2 USB आ गई ठीक है जो 2.0 है, बाकी 2 HDMI वो डिस्प्ले पोर्ट, 2 डिस्प्ले पोर्ट आ गई, HDMI नहीं है, 2 डिस्प्ले पोर्ट आ गई, DVI आ गया और 4 जो है आपकी ये आ गई 3.0 USB आ गई ठीक है। बाकी वही हेडफोन जैक है, लाइन इन लाइन आउट है और ये मेरे ग्राफिक कार्ड का जो है वो DVI पोर्ट लगी हुई है ठीक है। ये सिंपल सा इसका सेटअप है। खैर भाई बिस्मिल्लाह करके सिस्टम ऑन करते फर्स्ट टाइम, उठा लिए शुक्र है उठा लिए। बस इसमें विंडो शंडो करते और यार फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, खैर लेकिन विंडो का सेटअप हमने लगा दिए, विंडो हो रही है ठीक है इसमें। तो यार विंडो वगैरह भी हो गई और फुली अपडेट हो गया सिस्टम ठीक है। इंटर कोरा 5 6500 इसका ये प्रोसेसर है, 8 GB रैम है जो मैं बाद में बढ़ाऊँगा भी, रैम में इसकी तकरीबन 16 GB तक करूँगा ठीक है। विंडोज़ एक्टिवेटेड है और सब कुछ है यार, ये बिल्कुल बेसिक्स है, इसमें कोई शशके नहीं है, मतलब कि कोई लाइटिंग RGB वाले फैंस नहीं और कुछ नहीं है, लेकिन ये बस बेसिक्स है और मुझे पसंद है सादा सा। यार सिस्टम पूरा अपडेट हो गया हमारा ठीक है और 8 बज गए सुबह, तकरीबन 4 बजे से उठा वो, और यकीन मानो कल परसों पूरा दिन फिरते रहे आसपास सिस्टम के पीछे, कल पूरा दिन फिरते रहे मेरे सिस्टम के पीछे, और बस यकीन मानो अभी बहुत थक गया हूँ, बस ये अभी सो गया यार, अभी थोड़ा देर सो गया। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना ठीक है।